तो यार आखिरकार वो दिन आ चुका है जिस दिन मैं यार जेल से बाहर निकलने वाला हूं, तो इसलिए यार इतनी ज्यादा पुशअप्स मार लूंगा कि भाई मेरी बॉडी यार निकलते चमकेगी। अरे आज तो मैं बाहर निकलते बहुत सारी चौके भी खाऊंगा, मजे आएंगे, जल्दी हमें बाहर निकालो। ओ तुम्हारा जेल का टाइम खत्म हो गया रे, जल्दी से तैयार हो, 2 मिनट में मुझे बाहर चाहिए है बच्चे। ए तू क्या पूरा दिन बॉडी में नाता रहता है, चल बाहर आजा फटाफट से। अरे क्या टाइम हो गया? यही वेकी में टाइम हो गया, चलो चलो। अरे चल चल शिनचैन। तो गाइस यार हमारा जेल से बाहर जाने का टाइम हो चुका है, हम यार पिछले यार 1 महीने से जेल में, आजा शिनचैन फटाफट से। और हमें यार जेल से भी छोड़ दिया अंकल, फटाफट से मेरे कपड़े तो बाहर जाके घूमूंगा। और तेरा कपड़े वपड़े नहीं है, वो तो हमने फेंक दिए, और ये जो हमारा चड्डा है ना वो भी उतार, नंगा जा नंगा। क्या नंगा जा? अगली बार पुलिस वाले की गाड़ी चुराने की कोशिश करी ना तो सीधा 10 साल की जेल में डालूंगा। अरे हाँ ठीक है ठीक है। अरे गाइस यार एक बार मेरे कपड़े इन्होंने ले लिए और आखिरकार मैं बाहर आ गया। 1 महीने बाद बाहर की सांस लेने का मौका मिला, सूरज में आंखने का मौका मिला। शिनचैन ये तो बहुत खतरनाक है। अरे फिक्की में बहुत मजा आ रहा है, चलो चक्कू भी लेने चलते हैं। अबे शादी है क्या, मेरे पास कपड़े नहीं है पहनने के, मेरे को पैसे लेने पड़ेंगे किसी से। रुक जा यहाँ पे किसी ने किसी ढूंढते हैं। अरे एक सेकंड, अरे आंटी सुनो सुनो, आपके पास कुछ पैसे मिलेंगे क्या? मुझे यार भूख लग रही है। बचाओ बचाओ, ये मुझे छेड़ रहा है नंगा आदमी। अरे छेड़ तो ना रहा, मैं तो पैसे मांग रहा था। अबे क्या पागल वागल है। अरे रुको सामने एक अंकल खड़े, उनसे बात करते हैं। शिनचैन फटाफट से यही फेंकी भी आ रहा हूं। अरे अंकल सुनो ना यार, बहुत ज्यादा भूख लग रही है, प्लीज कुछ खाने के लिए दे दो ना यार। अरे यार मैं तो खुद यहाँ पे खाना मांगने के लिए खड़ा हूँ। अबे साले अभी तेरे को बताता हूँ, ये मुक्का खा, इसके काम कर तो कपड़े पहन लेता हूँ। पर नहीं यार कपड़े भी नहीं आएंगे मेरे को इसके। यही फेंकी भी क्या करेंगे? अरे शिनचैन मुझे नहीं पता। अरे अरे उस लड़के को क्यों मारा तूने? अरे मैंने थोड़ा मारा। अरे मैंने सब देख लिया। अरे नहीं नहीं मैंने नहीं मारा। अच्छा झूठ बोलते हो, मेरे पास वीडियो है, दिखाऊं क्या? अरे नहीं नहीं अंकल सॉरी, गलती से लगी। अंकल मत दिखाना, अभी अभी पुलिस स्टेशन से बाहर आऊँ। अच्छा अच्छा रो मत, मेरे काम करोगे? काम करोगे? खाना मिलेगा? अरे खाना क्या, पैसा भी मिलेगा क्या? चलो चलो चलो, कहाँ चलना है? चलो गाड़ी चलाओ। तो गाइस यार अभी हम जा रहे हैं इनके साथ, इन्होंने बोला यार खाने के साथ पैसा भी मिलेगा, तो चलो देखते हैं यार कौन सा काम कराने वाले हमसे। ये देखो ये है मेरा पूरा का पूरा कार शोरूम, और यहाँ पे तुमको बेचने होगी कार, क्योंकि मुझे यार बाहर जाना है और मेरा कोई नहीं है, तो मैं तुम पे ट्रस्ट कर रहा हूँ, तुम मेरी सारी सारी गाड़ियाँ बेचना, मतलब ध्यान रखना पूरे शोरूम का। ये देखो ये 4 मिलियन की है ये सारी की सारी, ये 10 मिलियन की है, ये 9 मिलियन की है, और यहाँ पे जो ये 2 खड़ी है साइड में वो थोड़ी सी ज्यादा महंगी है, ये 20 मिलियन की है, और ये वाली 43 मिलियन की है। तो तुमको मैंने प्राइस बता दिए, अगर कोई भी लेने आए तो उसको बिल्कुल ढंग से प्राइस भी देना, और तुम इस काउंटर पे खड़े रहो और ऐसे नंगे मत खड़े रहना, जाओ फटाफट से कपड़े लेके आओ। अच्छा ठीक है मैं फटाफट से यार कपड़े पहन के आता हूँ। तो गाइस यार मुझे कपड़े पहन, तो गाइस यार अभी मुझे जो भी नॉर्मल से कपड़े मिले हुए यार वो मैंने पहन लिए, और वो लगता है यार शोरूम के मालिक भी जा चुके, तो आज से ही हमारा वो शोरूम बिल्कुल ढंग से संभालना है। ये वाली गाड़ी कितनी पड़ी है, पर मुझे बिल्कुल ध्यान रखना है, मुझे यार पैसे भी मिलेंगे, खाने का भी मिलेगा, और यहाँ पे देख सकते हो भाई कितनी सारी चीजें जिससे पेमेंट वेमेंट होती है, और यहाँ पे पूरा कंप्यूटर भी पड़ा है। आ जाओ गाड़ी ले लो, यहाँ पे बहुत ही बढ़िया गाड़ी मिलती है, ये है बहुत ही खतरनाक कार शोरूम, आओ गाड़ी ले लो गाड़ी ले लो। अरे अंकल सुनो सुनो, गाड़ी के देखते हो, आओ मैं तुमको अंदर गाड़ी दिखाता हूँ। अरे बेटा हम बस देख रहे हैं। अरे अंकल देखना के अंदर आओ ना फटाफट से। हेलो हेलो आप कैसे हो, आप बताइए कौन सी गाड़ी चाहिए आपको? और मुझे अपनी बीवी के लिए एक बढ़िया सी कार चाहिए, मुझे दिखाओ। आओ मैं दिखाता हूँ। अरे नहीं मैं दिखाता हूँ। अरे शिनचैन मुझे दिखाने दे, आओ। ये गाड़ी यार सिर्फ आपको मिलेगी 10 मिलियन में, ऐसी गाड़ी यार दुनिया में सिर्फ 5,000 ही है, तो आप यार ये ले सकते हो। अरे दीदी देखिए ये गाड़ी का और आपके यार कलर कपड़ों का बिल्कुल सेम है, और ये गाड़ी सिर्फ 20 मिलियन की है, ये बहुत ज्यादा बढ़िया गाड़ी है, आप ये ले लो। अरे ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छी है, रुको मैं उनसे बात करती हूँ। अरे देखी भाई ये गाड़ी ले रही है। अबे शिनचैन चुप रहे, हाँ आप गाड़ी ले रहे हो? अरे हाँ गाड़ी तो ले रहा हूँ। अबे शिनचैन उनको मत दे, वो ले रही है। अरे देखी मेरी बात तो सुनो। अरे क्या है बोल। अरे देखी भाई ये 23 मिलियन वाली गाड़ी ले रही है। क्या 23 मिलियन? अबे ये तो 5 मिलियन की थी। अच्छा हाँ सुनो सुनो, ये 23 मिलियन की गाड़ी आज से आपकी। अरे पर ये मुझे गाड़ी नहीं चाहिए, बहुत महंगी है। अरे चलो चलो ले लेते हैं, इसका कलर है ना मेरे शर्ट से मैच कर रहा है, चलो फटाफट से ले लेते हैं। अबे शिनचैन भाई हाँ ले लो बिल्कुल शर्ट से मैच कर रहा है, बहुत बढ़िया गाड़ी है यार। अच्छा ठीक है दे दो फटाफट से बिल करो। अरे हाँ करता हूँ। तो गाइस यार अभी शिनचैन ने यार 5 मिलियन की गाड़ी यार 23 मिलियन में बेच दी, भाई जल्दी से इनका बिल बना देता हूँ मैं। ओके बाय बाय। हाँ ठीक है बाय बाय, कल एक और गाड़ी लेने आएंगे। भाई शिनचैन ये तो बहुत ही खतरनाक था, अपन ने 5 मिलियन की गाड़ी 23 मिलियन में बेच दी। यही देखी मैं इतना भी खास नहीं। अबे शिनचैन तू बहुत खास है। अच्छा तू यार 5 मिनट रुक यार, मैं खाना खा के आता हूँ। यही देखी वेंकी भी है। तो गाइस यार अभी मैं जा रहा हूँ यार ये स्टाफ वाली गाड़ी में शिनचैन के लिए खाना लेके आ रहा हूँ, और मैं खाना खा के आऊंगा, तो फटाफट से चलते हैं और खाना लेके आते हैं।
अरे जब तक फैंकी भैया गए मुझे पूरे के पूरे शोरूम का ध्यान रखना पड़ेगा। मैंने एक गाड़ी तो 23 मिलियन में बेच दी, मुझे बहुत मजा आ गया। अरे आंटी अंकल आइए आइए। बेटा मुझे चाहिए बहुत ही अच्छी कार अपने यार रेस के लिए। ओए मुझे भी एक कार चाहिए अपनी रेस के लिए। हम दोनों आपस में रेस करेंगे, जो जीतेगा उसको 100 मिलियन मिलेंगे। अरे क्या 100 मिलियन, लगता है इनके पास बहुत सारे पैसे। अंकल ये दो गाड़ी है ना, ये सबसे खतरनाक गाड़ी है, ये दुनिया में सिर्फ दो ही है और वो दोनों इधर ही है। अंकल ये सिर्फ 100 मिलियन की है, ये रेड वाली 100 मिलियन की और येलो वाली 150 मिलियन की, आप ले लीजिए बहुत बढ़िया गाड़ी है। ओए कैसे मैं रेस जीत जाऊंगा? अरे अंकल आप जीत जाओगे। ओए तो ठीक है मैं ये येलो वाली ले लूंगा। अच्छा ठीक है मैं लाल वाले ले लेती हूँ। अरे अंकल थैंक यू। अरे गाइस यार इन्होंने मुझे 100 मिलियन दे दिए। अरे दीदी आप भी 150 मिलियन दे दो। अरे आप बेटा मैं तुम्हें ट्रांसफर कर दिए। अरे ठीक है थैंक यू। अरे गाइस यार मुझे अभी पूरे की पूरे 250 मिलियन मिल चुकी है। अरे हमारे तो मजे हो गए, जल्दी फैंकी भैया को आने दो फिर हम जा रहे हैं। अबे शिनचैन क्या हो गया? अरे फैंकी भैया जल्दी देखो क्या हो गया। अबे क्या कर दिया? अबे शिनचैन कुछ किया तो नहीं ना? एक सेकंड वो दोनों गाड़ियां कहां चली गई? अबे वो भाई बहुत महंगी गाड़ी थी। अरे फैंकी मैंने बेच दी। क्या बेच दी? कितने बेची? अरे फैंकी भैया पूरे की पूरे 250 मिलियन। क्या 250 मिलियन मतलब? अरे फैंकी भैया 250 मिलियन है सही में। अबे वो तो टोटल मिला के 50 मिलियन की भी नहीं थी। तो गाइस अभी शिनचैन ने 250 मिलियन में भाई वो दो कार बेच दी है और यहाँ से हम एक कार लेके भाग रहे। भाई भागो ऐसे, हमें नहीं चाहिए कोई जॉब अब। अरे चलो चलो देखते वो दोनों लड़के क्या कर रहे। अरे ये क्या, ये बाहर क्या पड़ा है? अरे इतने सारे पैसे। अरे मुझे लगता है उन्होंने गाड़ियां बेच बेच के पैसे कमाए और यहाँ पे रख के चले गए, बहुत अच्छे बंदे थे। तो गाइस यार अभी हमने कर दिए पेमेंट अपने नए नए घर की। शिनचैन कैसा लगा घर? यही फेंकी में बहुत ही खतरनाक है। तो गाइस यार अभी हमने ये पूरा का पूरा घर ले लिया है विथ ये सारे की सारी गाड़ियां। यार हमने बहुत सारे पैसे यहाँ पे खर्च कर दिए, देख सकते हो हमारे पास कितनी सारी गाड़ियां मिल चुकी है हमें। हमने भाई 250 मिलियन में शिनचैन ने वो गाड़ी बेची और जो हम वो गाड़ी लेके गए थे ना एक और, उसको भी बेच दिया भाई 100 मिलियन में। भाई शिनचैन भाई क्या ही गाड़ियां बेचते हैं भाई, मतलब मजा आ गया। तो गाइस देख सकते हो इतनी सारी गाड़ियां अब हमें मिल चुकी है। हमने मतलब यार सस्ते सस्ते में गाड़ी खरीदी, जैसे शिनचैन गाड़ियां बेचता है ना खरीदता भी बहुत कम प्राइसेस में। ये सब यार शिनचैन की वजह से हुआ है। अब मुझे पता है क्या करना है। तो गाइस यार अभी हम आ गए उस पुलिस स्टेशन में जहाँ पे यार इन्होंने मेरे पर झूठा इंजाम लगाया था इस टकले ने। इसने बोला था कि मैंने पुलिस की कार चुराई जबकि मैंने कोई कार चुराई भी नहीं थी। क्या मैं पागल दिख रहा हूँ? निकल यहाँ से और इसको मैं जॉब से निकाल रहा हूँ क्योंकि मैंने ये इतना पैसा देके पूरा का पूरा पुलिस स्टेशन ही खरीद लिया है। अरे सर आपको इन तीनों में से कौन सा चाहिए? इन तीनों में से एक काम कर तीनों ही दे दे। अरे क्या सर इतने पैसे आपके पास? क्या बोला भाई? मेरे को पैसे के लिए बोला? नहीं 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 सर अभी रुक जा फोन लगाता हूँ। अरे जल्दी फोन लगाना पड़ेगा। हाँ बोला क्या बोलता? अरे सर इतने सारे पैसे, ये सब आपका, ये सब आपका। हाँ चल चल पका मत। तो गाइस यार अभी हमने खरीद लिए यहाँ पे 2 गोल्डन हेलीकॉप्टर्स और 1 गोल्डन प्लेन। तो गाइस यार अभी आप देख सकते भाई ये तीनों की चीजें यहाँ पे खड़ी है और ये मैं सोच रहा हूँ ये एयरपोर्ट भी खरीद लूँ। मुझे लगता है शिनचैन से एक दो गाड़ी और बेचवानी पड़ेगी यार वो बात, क्योंकि बहुत खतरनाक वाले प्राइस बेचता है। एक काम करते ये हेलीकॉप्टर बेचते वो पता नहीं कितने करोड़ों में। यही फेंकी मैं टेंशन मत ले मैं बेच दूंगा करोड़ों में। अरे यार मुझे पता है तू बेचते यार तभी तो बोल रहा हूँ। तो गाइस यार अभी हमने यार एक घर ले लिया और यहाँ पे हेलीकॉप्टर ले लिया, प्लेन ले लिया और एक और हेलीकॉप्टर ले लिया और पूरा का पूरा पुलिस स्टेशन ही खरीद डाला। तो यार आज तो मतलब यार बहुत ही ज्यादा मजे आ गए। तो गाइस यार आज की वजह इतना ही। अगर आपको आज वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना, बताना कैसी लगी वीडियो फटाफट से कमेंट में बता दो और गाइस इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड के डिस्क्रिप्शन में वहां पे जाके जॉइन फॉलो कर लेना। और गाइस यार मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।